अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार अभी बज रहे हैं तकरीबन 11, तो आज हम जाने वाले हैं देवी गोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर जगह है बोंजवा में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं। तो हम भी चले हैं और हमारे साथ तीन बंदे और हैं, साजिद, माजिद और अज़र। तो चलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा देर हुई है हमें पहले ही, तो चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी मुझे लगता है शायद कि 2 घंटे तक लगेंगे हमें। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 11:24, आप देख सकते हैं 11:24 टाइम हो रहा है। तो पीछे टाइम था 10:58, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आए हम। 1 घंटे का रास्ता हमने आधे घंटे में कवर कर लिया और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है सारे लोग जाने के लिए, ये पीछे बैठे हुए हैं सारे। तो चलते हैं अभी तकरीबन आधा घंटा फिर से लगेगा हमें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं इसीलिए। तो गाइस यार, जैसे कि हमने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि बोंजवा में पानी की कोई किल्लत नहीं है, हर जगह पे आपको चश्मे मिलेंगे। अभी यहाँ पे भी हम चश्मे में पहुँच, तो अभी हम यहाँ पे पानी पीते हैं और यहाँ से चलते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है मोड़ जैसा, उधर से हम चल के आए हैं बिल्कुल यहाँ तक, आप देख सकते हैं। अभी कमी है, मुझे लगता है 1-2 मिनट लगेंगे अभी हमें पहुँचने में। बज रहे 11:57, फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने आना था। पीछे आप देख सकते हैं कि क्या ही व्यू है, यहाँ पे कुछ टूर्नामेंट वगैरह चल रहे हैं यार, इसलिए बहुत ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आगे। गाइस यार, बहुत ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए मैच, आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। आफ्टर व्लॉगिंग हम खेलेंगे बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है छुट्टियों का, उसके बाद बिजी होते हैं यार, कम टाइम मिलता है हमें खेलने के लिए, इसलिए आज हम फुल इंजॉय करेंगे यहाँ पे। उस्मान भाई अभी बैटिंग कर रहे हैं। तो यार ये आप देख सकते हैं यार, यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहे हैं पीछे, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे खेलते हैं टूर्नामेंट यार। क्लीन बोल्ड बिल्कुल किया इसको। तो यार सबसे पहले मैं आपको इस वाली साइड पे व्यू दिखा देता हूँ, कैसा व्यू है पिछली साइड की तरह, कितने बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ से। पहले तो चलते हैं हम आगे, अभी बैठ चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद चलते हैं इस वाली साइड। तो हम लंच कर लेते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ से आते हैं इधर पहुँचते हैं बहुत ज़्यादा भूख लगती है, फिर जब हम यहाँ पे कुछ खा लेते हैं उसके बाद बिल्कुल भी नहीं भूख लगती है, क्योंकि उसके बाद हमारा पेट फुल हो जाता है, खेलने में इंसान बिल्कुल मस्त हो जाता है और बहुत ज़्यादा लोग भी हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद खेलते हैं, पहले तो हम लंच कर लेते हैं सबसे पहले। देसी खीरा है, अगर कोई भी खाना चाहता है कमेंट में बता देना, अपने घर से लाया है, चोरी का नहीं है। राजमा की सब्जी है, जो कि हम सबकी फेवरेट है, बिल्कुल सारों की फेवरेट है और बचपन से फेवरेट है हमारी, ऑलवेज रहेगी भी हमारा। अभी चलते हैं इस वाली साइड भी आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है। उस वाली साइड बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है, नीचे बिल्कुल नीचे तक नज़र आता है, फिर आपको उस वाली साइड चल के व्यू दिखा देता हूँ मैं। अभी हम कुछ इस टाइप की प्लेस पे पहुँच चुके हैं, अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कि नीचे कितना गहरा है, और देख सकते हैं ऊपर कितना बड़ा पहाड़ है। साइड से भी ये जो बड़ा पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम पहले भी गए थे पिछले साल, बट वीडियो नहीं हमने बनाई थी उस दिन। तो जब हम इस साल भी हमने जाना है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद हम जाएंगे, वहाँ की भी वीडियो आएगी। और जो ये रहा हमारा तूतू शंकर, ऊपर जो दिख रहा है सबसे बड़ा पहाड़ बोंजवा का है ये, और यहाँ पे मैंने लाइफ में एक बार जाना है, मेरा ड्रीम है यहाँ पे जाना लाइफ में, अगर मैं एक ही बार जाऊँ बट कभी ना कभी जाना है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे बस्ती है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, तो इधर से बिल्कुल जंगल ही जंगल है, और इधर से नीचे आप देख सकते हैं कितना गहरा है यहाँ से, और कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो यार ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब कि तारीफ भी नहीं निकल रही मुंह से, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है यार। लिटरली यहाँ पे मैं कभी भी नहीं आया हूँ लाइफ में, आज पहली बार आया मैं, वहाँ तक तो हम आते रहते थे लेकिन यहाँ नहीं आया हूँ। पता नहीं अब अगली साइड क्या दिखेगा हमें, अगली साइड तो कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं खड्डे जैसे है बिल्कुल ग्राउंड में, क्या ही मस्त है, क्या ही मज़ा आएगा क्रिकेट खेलने में, यहाँ के लोग बड़े किस्मत वाले हैं मगर। तो गाइज यार, ये जो आपको जगह दिख रही है, मैंने सुना है यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो सीधा पाउडर में निकलते हैं, ये बात अभी पता बिल्कुल क्लियर नहीं हुई है, सुनने में आया है। तो यार अभी हम ऐसा खेल खेलने को जा रहे हैं यार, जब हम छोटे थे तो यहाँ पे एक्सकर्शन आते थे हम यार, तो यहाँ पे ये खेल हम खेलते थे। अदर भाई जा रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे यार। तो यार इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अगर कोई गिरता भी है नीचे लगती नहीं है, लेकिन क्योंकि मिट्टी है नीचे। जब हम यहाँ एक्सकर्शन आते थे यार, छोटे छोटे थे उस दिन, हम खेलते थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था यार, और काफ़ी ज़्यादा यार जैसे कि आपको लगेगा यार पूरे
हेलीकॉप्टर में बैठे हो जैसे। यार यार साजिद भाई और उस्मान भाई दूसरी पे चढ़ चुके हैं और खेल रहे हैं, काफी मजा आ रहा है यार, जैसे इंसान हेलीकॉप्टर पे उड़ रहा है आसमान में। गाइस यार अभी हम इसको झुकाते हैं और हम सारे इसके ऊपर चढ़ेंगे। अब हम कैमरा माजिद के पास देते हैं और खुद भी इसको झुकाने में लग जाते हैं और झुकाते हैं इसको। तो अभी देखते हैं झुकती है या नहीं, तो अजहर की कितने जोर हैं देखते हैं, आज आज पता चलेगा। भाई मेरी पावर आराम से आराम से अनलिमिटेड पावर है यार, आराम से यार झुकाओ इसको। एक एक बंदा ऊपर आओ, साजिद आपके पीछे, साजिद पीछे आएगा। अरे झुक चुकी है यार, पूरी झुक चुकी है। अरे भाई यार मैं तो पूरा ऊपर आ रही हूं, कम ही रही है यार। मुझे याद आ रहा है यार, गिरने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन झुक चुकी है ये। इसको झुका ही दिया। अभी अदर जोर लगाते हैं अपने जिम करेंगे अभी नीचे से जिम करेंगे, हम ऊपर से मजा लेंगे यार, क्या ही नजारा है यार। हमें भी मजा, नीचे से भी मजा है ना। आज यहाँ पे अकेला ही रह चुका है क्योंकि मैंने तो छलांग मार ली, तो ये बोरे अभी नीचे उतारो। अभी हम इनको पहले तो नहीं नीचे उतारेंगे, बाद में उतारेंगे। लेकिन अरे भाई मारो मुझे, साजिद भाई रो रहे हैं यार, इसको हम नीचे नहीं उतार रहे। बस इसको नहीं उतारेंगे, इसको नहीं उतारेंगे, चलो चलते हैं, बस चलो चलते हैं, हम चलते हैं। भाई तू रो जरा, आंसू दिखा अपने आंसू, ओए आंसू दिखा, आंसू दिखा अपने आंसू, ओए आंसू दिखा, माफी पहले मांग, माफी बोलेगा माफ कर दो बस उतारेंगे। ये ले पहले माफी मांग, इनको भी दिखा देते हैं अपने फ्रेंड्स को, माफी मांग। बहुत ज्यादा फन करने के बाद अब हम साजिद को नीचे उतारेंगे, बट मगर कैसे उतारेंगे उस्मान भाई सोच रहे हैं, कैसे उतारेंगे भाई, उतार यार इसको नीचे पकड़िए, लग रहे यार ये उतर ही नहीं रहे। चलो यार मैं भी इसे उतारता हूँ यार, ठीक है फिर। फाइनली गाइस बहुत ही ज़्यादा फन करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, सी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ से कुछ बंदे भी मिल चुके हैं हमारे अपने गांव के सद। हेलो, और ये है आगे आगे अलियास, उधर है अदरीस भाई भी, बहुत देर के बाद वो भी देवी गोल में, और घर में नहीं देवी गोल में मिले हम इनके साथ यार। पहले तो इनके साथ ही वीडियो शूट होती थी। तो यार फाइनली गाइस खेलने वेलने के बाद हाथों में कुछ चिपचिप लगा है, उसको धो के आ जाते हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी चश्मा है और दूसरा चश्मा वहाँ से गिर गया, दोनों चश्मे। तो यार अभी मुँह शू धो के हमने नमाज़ पढ़ ली, काफ़ी सुकून मिल रहा है अभी नमाज़ पढ़ के। अभी हम वहाँ आगे जाते हैं, वहीं पे बैठते हैं, बैठ के कुछ खा पी लेते हैं, काफ़ी सुकून मिल रहा है कुछ, क्योंकि नमाज़ पढ़ के आए तो यहाँ पे बैठते हैं नीचे, कुछ खा लेते हैं। अभी व्लॉग तो बहुत ज़्यादा बना लिया, अभी कुछ खुद भी फ़न कर लेते हैं यार, आपके साथ तो बहुत ज़्यादा किया, अभी आपस में भी कुछ फ़न कर लेते हैं। अभी हम म्यूजिक का फन ले लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। उस्मान भाई ने कुछ लाया पुलिस काफी सुकून मिल रहा है यार। आप भी नमाज पढ़ा करो, अगर नमाज नहीं पढ़ते नमाज पढ़ा करो, क्योंकि नमाज पढ़ के यार क्या ही बोलो आपको यार। अजहर भाई पहले खा लो यार, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है यार। पहले इनको अगर फिर गाने वाने यार ये चलता रहता है फिर। हाँ इतना सारा माफ, इतना तकरीबन 3 बज रहे हैं, तो फोटो वगैरह हमने क्लिक कर लिए, तो अभी मैं एक बार इस पूरे का व्यू आपको दिखा देता हूँ। हम पहुंच चुके हैं घर पे,
हम जल्दी इसलिए आए थे बिकॉज वहाँ पे बारिश शुरू होने वाली थी। यहाँ पे तो धूप है, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। वहाँ पे रोज़ बारिश लगती है दोपहर के बाद, तो हम इसलिए जल्दी आए थे। और ऊपर से फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए हम रास्ते में वीडियो नहीं बना नहीं पाए। आजकल हमारी डेली व्लॉगिंग चल रही है यार, प्लीज़ सपोर्ट किया करो यार। और बहुत बहुत दूर जगहों पे जाते हैं यार, ऊपर से पेपर भी आने वाले हैं, पढ़ना भी पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा लोड है। तो अभी मैं इधर ही बैठ के एडिटिंग करूँगा और यहीं से व्लॉग को अपलोड कर लूँगा। अगर जल्दी एडिटिंग कंप्लीट हुई तो आज ही व्लॉग आएगा, अगर देर से हुई तो कल आएगा। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी और किसी वीडियो में, तब तक ले खुश रहो, घर में रहो, सेफ रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।